Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग एक ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिसका फिजिक्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक है. तो बारी है हर एक गाड़ी को स्टेयर्स पे टेस्ट करने की. देखते हैं कि ये सारी गाड़ियां सीढ़ियों से उतर पाती है या फिर नहीं. वैसे अगर देखा जाए तो ट्रक और बस और रेंज रोवर वगैरह इजिली चले जाएंगे, बट लैम्बोर्गिनी बुगाटी को तो यहाँ पे लाने का कोई फायदा नहीं. और मैं इतनी प्यार से लाया था. ओए कुछ भी, अबे कहाँ जा रहा है? हेलो भाई, इसको देखना एक्टिंग कर रहा है, जान मुझके कर रहा है. भाई क्या हो रहा है ये? मैं कहाँ ले जाना चाह रहा था ये देखना. गया, खत्म. अबे इतना बुरा तो रैंप पे नहीं हुआ था. ओके, तो अभी मैं एक दूसरी कार लेकर आ चुका हूँ. मेरे को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये एक स्पोर्ट्स कार होने के बावजूद यहाँ इन सीढ़ियों से अच्छे से उतर सकती है. प्लीज उस तरीकी आती, उसका आगे वाला जो महगार्ड है वो निकल चुका है, बट ठीक है. अपनी गाड़ी अभी भी जा रही है विदाउट रेस दिए. इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ चुकी है, पीछे पीछे की बूट ओपन हो चुकी है. और नहीं, इसका भी सेम टू सेम वही हाल हो गया. भाई साहब, लेट्स गो गाइस. तो अब आ चुकी है अपनी जॉर्ड व्हीकल रेंज रोवर, जो कि इस टेस्ट में इजीली पास हो जाएगी. वेट, मैं ट्राई करता हूँ आराम से अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं. ये हमारा ब्रेक. वेट, ओके, गाड़ी इजिली यहाँ पर आ चुका, वरना भी सारी गाड़ियाँ भटाक धुम 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 भिड़ते भिड़ते आ रही थी, बट ये कार आराम से यहाँ पर आ गई है और ऐसे जा रही है जैसे एक सीधा रास्ता हो. बट अभी इसे प्रॉब्लम हो सकता है, पर हाँ मैंने स्पीड थोड़ा सा कम करा और प्रॉब्लम नहीं हुआ. बस स्पीड तो यार देखो नॉर्मली कम करना ही पड़ेगा. इजी 300 तक हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा नीचे तक जाना है. तो यहाँ से मुड़े लेफ्ट, फिर उसके बाद आराम से एक राइट कट दिया. ओके, तो शायद हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे इस गाड़ी से. बस बस सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, ब्रेक वगैरह टर्निंग एकदम ओके होनी चाहिए. ऑल राइट, ये भी उतर चुके हैं और यहाँ से करा अपनी गाड़ी को लेफ्ट. ओह भाई, जीत रहे हम लोग. बाकी एक सामने रैंप है, ये वाला रैंप मैंने नहीं देखा था. यहाँ से भी अपनी गाड़ी उतारेंगे अभी, बट अभी नहीं, पहले वाला टेस्ट कंप्लीट करते. ओए प्लीज, हरकत नहीं. ओके, तो अभी आराम से यहाँ पर भी उतर चुकी है. बस हम लोग समझ लो पहुंच गए. थोड़ा सा और जाना. नहीं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बच गई भाई, वरना अभी हो जाती हरकत. तो चलो गाइस, मुझे नहीं लगता अभी मुझे इसमें और कुछ भी टेस्ट करना होगा. गाड़ी एकदम सेफली यहाँ पर आ चुकी थी. ओ तेरी की, पूरी सेफ उतर गई. यहाँ हल्की सी सीढ़ी में पलट गई भाई, वो भी अटक गई है अब सीधा आगे. आजकल मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग नए आए हैं अपने चैनल पे, जो बस वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. यार नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, जाके दबाओ यार, क्या कर रहे. ऑल राइट, तो अभी मैंने बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट कर लिए हैं, बट जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो है डाउन हिल मैडनेस, जिसमें अपनी गाड़ी एक माउंटेन से नीचे उतरेगी, जिसके माउंटेन के रास्ते में बहुत अलग अलग रास्ते हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं पत्थर है, कुछ ना कुछ हरकतें हैं. तो अगर अपनी गाड़ी आधे रास्ते भी पास होगी तो समझ लो ये पास है. लेट्स गो, 3, 2, 1, अब भगाते हैं अपनी गाड़ी को. अपनी भाई साहब, ये भले एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है, छोटी सी है, पर ये स्पोर्ट्स कार है, इसकी स्पीड बहुत तगड़ी है. साउंड भी आप लोग सुन ही पा रहे हो. यहाँ पर एक रिवर थी, रिवर क्रॉस कर दी, पता भी नहीं चला. यानी ये गाड़ी भाई अच्छा परफॉर्मेंस हमें दे रही है. बाकी सामने कुछ तो पहाड़ पत्थर या कुछ गड्ढे जैसा मुझे दिख रहा है, पता नहीं वो क्या है, बट ठीक है. देखते अपनी गाड़ी ये चीज़ क्रॉस कर पाती है या फिर नहीं. मैंने मारी नहीं, वहाँ रास्ता ही खराब था, मुझे अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड से लेके जानी चाहिए थी. ओ भाई खत्म, गाड़ी का इंजन बंद हो गया, टायर ही निकल चुका है पीछे वाला. ओके, गाड़ी तो वापस से स्टार्ट हो गई, बंद हो गई थी बट दोबारा स्टार्ट हो गई है. तो मैं इसका चेक पॉइंट अगर देखूं तो ये वाला माउंटेन, आप समझ जाओ कि हमने ये वाला अभी गड्ढा पार कर लिया है. अपने पास गाइस ये एक फरारी 812 भी है, क्यों ना इसको टेस्ट करा जाए. और भाई इतना ज्यादा खतरनाक साउंड एंड ट्रैकलिंग इस गाड़ी में उतरी, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा मेरे को उसके साउंड के बाहर, बट ठीक है. ये गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, एयरप्लेन से ज्यादा साउंड कर रही है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कार. ऑल राइट, इस बारी मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट से निकालना है, वरना लास्ट टाइम की तरह गई. ये तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है स्पीड, क्योंकि इतनी ज्यादा है इस कार की. डन 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 डन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाड़ी में. लेट्स गो, पार्क कर चुकी है, इधर दिक्कत होगी. ओ भाई भाई भाई, ओ तेरी, ओ ये क्या हो रहा है भाई पुर्जे, ओ तेरी ये तो उड़ गई. लेट्स गो, बाय बाय.
ये तो भाई टेक ऑफ ही कर गई भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गाड़ी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं कहां पर आ चुकी है भाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था इस मैप में ऐसी भी कोई जगह है। ये बॉयज तो अब आ चुकी है अपनी नेक्स्ट कार जी वैगन। इसके बाद थार टेस्ट करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और थार मेरे हिसाब से बहुत आगे जाएगी या फिर पास कर ही देगी इस ट्रैक को। ओ भाई मैं इससे बढ़िया तो अपनी फरारी थी, किस बात की 4x4 व्हीकल है, तीन टायर पे भी चल रही है। लेकिन यार ऐसी बात नहीं है, ये देखो तीन टायर पे ज्यादा बढ़िया चल रही है। ये वाला वो टायर आगे जा रहा है भाई, उसको पावर भी नहीं मिल रही, वो टायर देखो, वो देखो भाई टायर इतनी तेज स्पीड में क्यों है। और इजी यहाँ से इजी, नहीं 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 बहुत सही बहुत सही, ये गाड़ी तो पास कर गई भाई। यहाँ दिक्कत होगी वैसे, यहाँ भी नहीं होती, बट फाइनली गाड़ी अब जाके रुकी और मानना पड़ेगा गाड़ी मजबूत थी भाई। लेट्स गो गाइस, थार आ चुकी है और अब हम लोग इसको भगा के ले जाने वाले हैं। बाय द वे थार की स्पीड यार सच्ची में बहुत ज्यादा डाली गई है इस गेम में, जबकि इतनी है नहीं, मतलब अच्छी स्पीड है बट यार लैम्बो वैम्बो वाली स्पीड कैसे डाल रखी है इन्होंने इसमें, ठीक है। 150 माइल्स और 170 माइल्स और बाय 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 ये पहुंच गई, हवा उससे बातें करने लग गई है इस टाइम पे। 220 वेट, सिक्स्थ गियर पे है गाड़ी इस टाइम पे शायद, मतलब जाकर वापस आ जा रही है। ओके ओके मस्त चल रहे भाई, मस्त चल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से भी इजी निकल जाती। नहीं डिवाइडर यार, ये गाड़ी बहुत अच्छी आई और डिवाइडर भिड़ गया ना, ये खत्म हो जाएगी अब। आ भाई लगी लगी लगी, ओ भाई साहब गाड़ी बहुत बुरी तरह आके गिर चुकी है, बट ठीक है मतलब खत्म हो गई। वैसे कोई ढंग की गाड़ी मिल नहीं रही थी इसलिए मैं यहाँ पर अभी बस लेकर आ चुका हूँ, पता नहीं क्यों, बट टेस्ट करना बनता है यार। बस उस वाले टेस्ट में पास हुई थी भाई, मतलब टायर वायर शायद टायर भी नहीं निकला था ना इसका, बट हाँ पास हुई थी। और ट्रक भी इसके बाद टेस्ट करेंगे, बाकी जा रही है अपनी बस एकदम मस्त तरीके से। लेट्स गो, ये ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी तो शायद पास हो भी सकती है अच्छे से। बाय द वे फर्स्ट जंप आया है और क्या प्यारा था फर्स्ट जंप। Let's go. तो नेक्स्ट जंप आने वाली है, उससे पहले मैं काम करता हूँ अपनी बस को, धीरे धीरे से लेफ्ट कर लेता हूँ आराम से, बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ऊपर नीचे जो हो रही है ना यार, ये बड़ा डराती है भाई कसम से, क्योंकि इसके बाद ही दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर बस अपनी सीधी करनी है और क्या प्यारा जंप था भाई, सीटियाँ मार रही है भाई बस। गाइस कार छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ बस खरीदो भाई, मतलब उतनी सेफ है यार। बट हाँ अभी जो टक्करें लगी हैं ना पीछे, तो उसके बाद मतलब बस में कुछ तो इफेक्ट पड़ा है जिस वजह से स्पीड थोड़ी कम हो गई है। ठीक है भाई मैं तो पास मानूंगा, 44 माइल्स की स्पीड पता नहीं कैसे हो गई इस पे अचानक से। बाय द वे ये बस पास है, लेट्स गो। तो फाइनली कोई तो गाड़ी ऐसी मिली जो पास करी। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको BeamNG गेम प्ले सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें तो 600,000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर देना, और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि हमें इसमें आगे और क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था हम कुछ भी कर सकते हैं, बस कोई भी मैप होगा कुछ भी हो सकता है, क्रैश टेस्ट जंप्स उड़ते उड़ते प्लेन व्लेन सब कुछ है इस गेम में। तो आप लोग अपने बढ़िया बढ़िया आइडियाज कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा।